हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने कल इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, तो आज भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम जेई 2019 के क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस तो हमने दो 2019 के कर लिए थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस आज कर लेते हैं, ठीक है। नीट के भी क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको कहता है द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। आपको एक रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू 15 t² i कैप प्लस 4 - 20 t² j कैप, ठीक है। ये आपको वेक्टर गिवन, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। बोलता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया है ये, और एक्सेलरेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको पता है पोजिशन आपको गिवन है, ठीक है। पोजिशन गिवन है यानी डिस्टेंस आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो करना क्या है, कल भी हमने इस बारे में बात की थी। तो इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कर दीजिए, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब आप आर का डिफरेंशिएशन करोगे यानी पोजिशन का डिफरेंशिएशन करते हो, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वेलोसिटी में, ठीक है। 15 t² देखिए, डायरेक्ट करेंगे। आई कैप और जे कैप किस चीज को शो कर रहा है, आई कैप और जे कैप केवल इस चीज को शो कर रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना था और वाई डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना था। केवल आई और जे उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है और कुछ नहीं शो कर रहा है इसके अलावा, ठीक है। तो 15 t², तो टी स्क्वायर जब विद रिस्पेक्ट टू टी आप क्या कर रहे हो, उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी 30। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये हो जाएगा 30 t i कैप। देखो, आई कैप केवल डायरेक्शन शो करेगा और कुछ नहीं। इसके बाद प्लस कर लीजिए, देखो ये क्या है, 4 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और ये क्या है, -20, तो -20 2 बाहर आएगा, तो 40 t j कैप। तो ये जो वेलोसिटी आपकी आई कितनी आई है, 30 t i कैप -40 t j कैप, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो 30 t, t का क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा 30 i कैप -40 j कैप। देखिएगा, एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन, वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। ये किस फॉर्म में है, ये वेक्टर की फॉर्म में है। और मैग्नीट्यूड आपको पता है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर आपका है और वो इस फॉर्म में है कि x इंटू आई कैप माइनस वाई इंटू जे कैप, तो या प्लस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होने वाला है। मैग्नीट्यूड को a सिंपल लिखते हैं, तो एक फॉर्मूला जो i और j के साथ होता है उनका स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में, क्या होता है, x² + y² बेसिकली। ये जब देखेंगे हम, जब हम वेक्टर का चैप्टर करेंगे, ठीक है। ये आता कहाँ से है, अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा, जो आई के साथ है और जो जे के साथ है, जो भी जो आपका कॉन्स्टेंट होता है उसकी, उसका स्क्वायर कर दीजिए और उनको ऐड कर दो अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो a इक्वल टू अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। कहोगे हाँ माइनस है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, सो वो मैटर नहीं करता कि माइनस है या प्लस है, हमेशा प्लस होता है। तो ये हो जाएगा आपका 900 + 600 1600, a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2500 फाइव। ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर है, 50 का, ठीक है। तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 m/s². दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है देखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन जेई मेन 2019 में पूछा गया है। जितने क्वेश्चन आज करेंगे सब हम 2019 के क्वेश्चन करने वाले हैं। कहता है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, यानी बुलेट का मास जो आपको गिवन है, कितना दिया है आपको, बुलेट का मास दे दिया 20 ग्राम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ, यानी स्पीड आपको गिवन है इनिशियल स्पीड 1 m/s। इनिशियल स्पीड है तो यू मान लीजिए इसको,
इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर इट स्टार्टिंग पेनिट्रेटिंग मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर इफ द वॉल ऑफर अ मेन रजिस्टेंस ऑफ इतना न्यूटन, यानी एफ आपको दिया है 2.5 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन. तो द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर अमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू. देखिएगा क्वेश्चन को समझो. आपको एक मड वॉल दी हुई है, मान लो एक एक ये क्या है, दीवार है आपकी. इस दीवार की थिकनेस आपको कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर थिकनेस आपको गिवन है. जब वो बुलेट पेनिट्रेट करने ही वाली होती है, उससे पहले की जब ये इस पोजीशन पर होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये इसको पेनिट्रेट करेगी. पेनिट्रेट करने के बाद वो पूछता है जब ये बुलेट यहां पर चली जाएगी, इसे क्रॉस कर जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है, यानी फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है. और जो ये वॉल है, ये फोर्स कितना लगा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी रेजिस्टेंस फोर्स कितना होगा. ऑब्वियसली बात है, ये मूव इधर कर रही है तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. तो जो एफ है वो कितना हो जाएगा, यानी लो अगर इसको हम प्लस ले रहे हैं तो इसको इधर वाली डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस. तो माइनस ले लीजिए, तो 2.5 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है. इतनी बात तो समझ आई. तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, देखिएगा, समझते हैं. मास दिया हुआ है, ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो. सबसे पहली बात, जब आप इसको किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको आप 2 × 10 to the power -2 लिख सकते हो, या आपका किलोग्राम आ गया. ठीक है, देखो इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल पूछा है फोर्स इतना है. टाइम आपको गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी जिसमें टाइम नहीं है. देखिएगा, आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं दिया होता, तो कौन सी है, थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है. थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी है, v² = u² + 2as. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है. डिस्टेंस कितना है, कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को जब आप किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा 20/100. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी एक, ये आ जाएगा आपका 0.2 मीटर. यानी s आपको 0.2 दिया है और एक्सेलरेशन आपको नहीं पता. अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू यहां पुट करना, आंसर आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाएगा, सिंपल. देखिएगा, आपको पता है कि f इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a. तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, f अपॉन m. f की वैल्यू आपको गिवन है, -2.5 × 10 to the power -2. m कितना गिवन है, मास, ये दिया हुआ आपको 2 × 10 to the power -2. ठीक है, ये ऊपर जाएगा, नीचे जीरो लग गई, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दीजिए. ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए आपके, और ये आ जाएगा आपका -5 से. 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 m/s². इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बॉडी में जो आपकी बुलेट थी उसमें रिटार्डेशन हो रहा है. बॉडी क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, धीरे 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 रुक रही है, उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. रिटार्डेशन केवल इस चीज को शो कर रहा है. ये जो माइनस है, केवल इस चीज को शो करता है कि वो आपका एक्सेलरेटेड बुलेट नहीं है, वो क्या हो रही है, रिटार्डेड हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कम होती जा रही है. देखिएगा, अब जो ए की वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, v² = u², ठीक है, माइनस यू कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 1 थी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 × a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, -5/4, और s कितना था, 0.2, ये हो जाएगा 0.2. तो यहां से 2 हटेगा, नीचे 0 आ गई, और 2 × 2 = 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 5 × 2 = 10. तो ये हो जाएगा आपका v² = 1 + क्या बचता है यहां से, 1/2. ये माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस.
वन में से हाफ माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ, और वी इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। बट आपको आंसर आपका इसमें गिवन नहीं है, पॉइंट में गिवन है, तो क्या करना है आपको, रूट टू की वैल्यू पता है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.41। देखेगा वेरिएशन काफ़ी है ऑप्शंस में, तो इसको माइन इसको वन को हटा भी सकते हो आप, तो 10/14, जब 14 को 10 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाओ जीरो, और 14 7 98, तो लगभग कितना आ गया 0.7। क्या ऐसा ऑप्शन है, देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड, यानी स्पीड आपको गिवन है वी इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में ही पूछा गया है। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू टो, यानी टी इक्वल टू टो टाइम में आपसे वो क्या पूछता है, स्पीड पूछता है। अज्यूम डैट पार्टिकल एट इज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो पर ओरिजिन पर था, ओरिजिन का मतलब क्या है, यानी एक्स उसकी पोजीशन भी कितनी थी, जीरो थी, ठीक है, पोजीशन भी जीरो थी। अब ये बताइए, दो तरीके हैं, आपसे स्पीड पूछता है टी इक्वल टू टो पर, स्पीड ये है वी इक्वल टू, आपको रिलेशन दिया है वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन कितनी थी, जीरो, जब पोजीशन आपकी जीरो थी वो ओरिजिन पर था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, जरा बताओगे, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, जब पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है वो रुका हुआ है, पोजीशन भी जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, तो यहां पर वैल्यू रखिएगा, तो वी एट टी इक्वल टू जीरो पर तो जो वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और यहां पर जीरो जब पुट करोगे, पोजीशन क्या थी उसकी, जीरो थी, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाती, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं क्या वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, टी इक्वल टू टो पर वेलोसिटी कितनी थी, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, तीन इक्वेशन पता है, कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन लगानी है, देखिएगा आपको यहां पर कहीं पे भी डिस्टेंस का कोई जिक्र हुआ है क्या, कोई जिक्र कोई हुआ है डिस्टेंस का, नहीं हुआ है, तो आप डिस्टेंस किस में नहीं है, यानी एस जो था वो कौन सी इक्वेशन में नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में एस नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाइएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है, वी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, प्लस ए, और कितने टाइम में निकालनी है आपको, टो टाइम पर आपको स्पीड फाइंड करनी है, तो वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू टो के इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बात क्यों आती, ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन इस टाइप के नहीं दिए हुए, ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ए की जगह कुछ और है, तो यानी अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। अब सवाल आता है ए की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, कुछ बच्चे बोलेंगे सर वेलोसिटी आपको गिवन है वी इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स, आपने बताया था कि वेलोसिटी से अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है एक्स, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट टी, टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्स का फंक्शन है, इसलिए आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है डीवी बाई डीटी, ठीक है, यहां से आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल टी आपको गिवन नहीं है, क्या है वेरिएबल एक्स गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, कल भी हमने शायद जेई का 2019 का ही क्वेश्चन था जो किया था, क्या किया था हमने, किया था कि इसमें डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स से ही डिवाइड कर दीजिए, और ये डी एक्स है ये इसके साथ चला जाता है, यानी डी वी ये जो डी एक्स है इसके पास आ जाएगा यहां पर, और ये डी एक्स अपॉन ये जो डी टी था ये इसके पास चला जाएगा, और आपको पता है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, यानी ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, तो डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। अब आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, लगाइए ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो ये देखिएगा ध्यान से, वी ये इसको आप क्या लिख सकते हो, b और x की पावर 1/2 अंडर रूट को क्या लिखते हो, 1/2,
तो बी तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 1/2 जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। एक्स की पावर इसमें से 1 को माइनस कर दोगे तो यानी 1/2 - 1, तो ये आ जाएगा आपका क्या, b/2। एक्स की पावर हाफ में से माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ बचेगा, और हाफ क्या होता है, अंडर रूट, आपको पता है, b/2, और ये आ जाएगा अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं। डीवी अपॉन डीएक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, डीवी अपॉन डीएक्स की वैल्यू वहां रख दीजिए, एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। डीवी अपॉन डीएक्स रखिएगा वैल्यू, तो डीवी अपॉन डीएक्स आपने फाइंड कर लिया, ये आया आपका b/2 1/√x इंटू वी की वैल्यू कितनी थी, वी की वैल्यू थी बी और ये थी √x, √x से √x कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका b²/2। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू आ गई b²/2 और ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा a²/2 × tau, दिस इज योर सॉरी b आएगा b²/2 × tau, ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका 2019 में पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके ग्राफ को अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्या है, क्या कैसे, क्या कह रहा है, और ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। एक आपको ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन फिगर। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 5 सेकेंड। देखिएगा ये ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है, और वो 5 सेकेंड में इसकी पोजीशन पूछ रहा है, अगर वो t = 0 पर ओरिजिन पर था, ठीक है, ये ओरिजिन पर था t = 0 पर, और 5 सेकेंड में पूछता है, 5 सेकेंड कहाँ, अब ये क्या है, टाइम है, ये क्या है आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में गिवन है, टाइम इक्वल टू आपका सेकेंड में गिवन है, तो 5 सेकेंड में आपसे क्या पूछता है, पोजिशन क्या हो, क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपने एक चीज़ देखी थी, हमने कल पढ़ा था कि जो एरिया जो होता है अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑन वी ओ टी ग्राफ में किस चीज को शो कर रहा था, वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है कि कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, ठीक है। अगर मैं वो कहता 5 सेकंड में, अगर हम यहां से 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड कहाँ, यहां पर है, अगर मैं यहां तक नीचे का पूरे का एरिया फाइंड कर लेता हूं, ये अगर एरिया पता चल जाएगा तो आप ये जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल होने वाला है, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होने वाला है। देखिएगा, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ आपको, फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, ठीक है, ये इधर जाएगा dx = v · dt हो जाएगा, और v आपका क्या हो जाता है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाता है x · v · dt। तो ये देखिएगा, v और t का जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, v और t ग्राफ में जो आपका कर्व होता है उसके नीचे का जो एरिया होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया बड़ा सिंपल है, देखो ये ऐसे कोई फिगर तो नहीं है पूरी की पूरी, लेकिन हाँ आप इसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके निकाल सकते हो। ये देखो यहां तक आपका क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम भी है, ट्रेपेजियम लगाइए, यहाँ पर रेक्टेंगल लगाइए, आंसर निकाल लीजिए। किसी को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं पता एरिया का क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया हम डायरेक्ट निकालते हैं, ये क्या है, ट्रायंगल है, बेस कितना है, 0 से 2 2 हो गया, और यहाँ भी कितना है, हाइट कितनी है, 2 है, तो एरिया कितना पड़ा था, 1/2 बेस इंटू हाइट 2 × 2, ठीक है, प्लस अब ये यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ, 2, अरे 2 से स्टार्ट है 4 तक गया तो कितना टाइम हुआ, 2, और हाइट कितनी है इसकी, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2, प्लस ये रेक्टेंगल है, ये कितना 1 4 2 5, और ये कितना 3, तो ये हो जाएगा 1 × 3, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 आया, प्लस 2 2 जब 4, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 4 7, प्लस 2 9, ये मीटर स्क्वायर है, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो 9 मीटर आंसर
आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पोजिशन एक्स एक्सिस, आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स डेट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन। और ए एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी, आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो वो कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो कंडीशन दी है, कौन सी फिगर इसको सेटिस्फाई कर रही, कौन कौन सी फिगर्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी फिगर में होगा बताइएगा। सबसे पहली फिगर को चेक करते हैं, तो फर्स्ट फिगर बताइए, यानी टी यहाँ पर जीरो टाइम पर भी इसका एक्सेलरेशन इतना था, टी वन मान लीजिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? कॉन्स्टेंट है। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये क्या है, ये आपका कॉन्स्टेंट है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिन से बात कर रहा था, ओरिजिन पर तो ये है नहीं, ठीक है, यानी t इक्वल टू जीरो पर, जब t जीरो पर था तो उसकी पोजिशन कुछ थी, तो यानी ओरिजिन पर तो नहीं है, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरी चीज, अगर आप यहां से क्या बनाओ, टेंजेंट लाइन बनाओ, यहां पर टेंजेंट लाइन बनाओ, तो क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी क्या रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। अब इसको चेक कीजिएगा, यहां क्या है, टेंजेंट लाइन बनाइएगा तो थीटा देखिएगा, ये थीटा है, यहां पर टेंजेंट लाइन बनाओ, थीटा देखो, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगल जो है कर्व के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो, मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ा था एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेलोसिटी को, यानी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जा रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, तो ऑप्शन डी भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बी और सी, ऑप्शन डी आपका ये क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द एक्सेलेटर वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है, प्रीति थी मेट्रो स्टेशन पर गई तो उसने देखा कि एक्सेलेटर काम नहीं कर रहा है, तो सी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेटर इन टाइम टी वन, तो वो रुके हुए एक्सेलेटर पर चढ़ने लगी, तो उसको जाने में कितना टाइम लगा, उसको पहुंचने में, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी वन टाइम लगा है। नेक्स्ट, ऑन अदर डे इफ सी रिमेनिंग स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलेटर, तो अब क्या वो वर्किंग में था तो एक्सेलेटर मूव कर रहा था, वो क्या हो गई, उस पर जाकर खड़ी हो गई, तो उसको ऊपर जाने में, देन द एक्सेलेटर टेक अप हर इन टाइम टी टू, तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा उसको, टी टू टाइम लगा, तो द टाइम टेकन बाय हर वॉक टू अप ऑन मूविंग एक्सेलेटर विल बी, देखेगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्सेलेटर था, यहां पर कौन थी, प्रीति थी, यहां पर आकर खड़ी हो गई, पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं जब एक्सेलेटर रुका हुआ था, तो प्रीति खुद चढ़ती है ऊपर जाती है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, टी वन टाइम लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन की बात, वेलोसिटी वी वन है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी अपॉन टाइम कितना लग रहा था उसको पहली कंडीशन में, टी वन टाइम लग रहा था। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन में वो वर्किंग में था, ठीक है, तो प्रीति आके यहाँ पे खड़ी हो गई, क्या हुआ, एक्सेलेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कितना टाइम लगा ऊपर जाने में उसको, टी टू टाइम लगा, तो वेलोसिटी फिर निकाल लीजिए, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी टू इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देखो दोनों कंडीशन में प्रीति कहाँ गई, प्रीति स्टार्टिंग पोजिशन और फाइनल फाइनल पोजिशन उसकी क्या रही होगी, सेम, तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो डी ही रहेगा, और टाइम कितना लगा उसको, टी टू लगा। तीसरी कंडीशन क्या कहता है,
तीसरी कंडीशन ये कहता है जब प्रीति आपके एक्सेलेरेटर पर खड़ी थी तो अब एक्सेलेरेटर भी मूव कर रहा है और वो एक्सेलेरेटर पर मूव करती हुई अपनी उसी वेलोसिटी से चल रही है जिससे वो पहले चल रही थी, तो क्या होगा? तो उसका टाइम आपको फाइंड करना है। तो उसको क्या करना है, आपको टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी। तो यहां से टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो लगाइएगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो सेम कवर करेगी, अरे चाहे वो रुके हुए एक्सेलेरेटर पे चल रही है या फिर आपका एक्सेलेरेटर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। अब नीचे वेलोसिटी क्या हुई है, तीसरी कंडीशन में वेलोसिटी दोनों की इंक्रीज हो जाएगी। देखिएगा, वो पहले जब प्रीति थी, प्रीति की वेलोसिटी कितनी थी, V1, अब एक्सेलेरेटर की वेलोसिटी कितनी है, V2। अब वो क्या है, चलते हुए एक्सेलेरेटर पर मूव कर रही है, तो यानी कितना, V1 प्लस V2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 वैल्यू रख दीजिए, तो D इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, D/T1 प्लस D/T2, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ये LCM ले लोगे तो ये हो जाएगा T1 T2, ये हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 T2 ऊपर जाएगा तो टाइम आ जाएगा आपका T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। देखिएगा ये क्वेश्चन कराने के पर्पज क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत सोचिएगा नीट का क्वेश्चन JEE में या JEE का क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप दोनों क्वेश्चंस के, दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लगाइए।